साक्षात्कार होने के बाद ये शरीर क्यों रहता है, छूट क्यों नहीं जाता, वहाँ से प्राण क्यों चला नहीं जाता? प्राण उनको बाधक नहीं होता है, प्राण वायु बाधक नहीं होते हैं, इसीलिए शरीर नहीं छोड़ता। मन में जो पाप जम लगे उनको दम करे माता जी, ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाता है। ज्ञान और भक्ति में भेद है क्या? खड़े होके बोल, खड़े होके बोल। ज्ञान और भक्ति में भेद है क्या? भेद का बात ही नहीं, भेद जहाँ है वही भेद है। ज्ञान और भक्ति एक ही है ना, जो कहो वही का खोद भक्ति रूप में जो है, ज्ञान रूप में वही है, और वो ना होए तो भक्ति और ज्ञान जो है तो दूर दूर हो जाएगा ना, समझा है नहीं, अलग अलग हो जाएगी। भक्ति रूप में जो प्रकट होता है और ज्ञान रूप में वही प्रकट होता है। भक्ति माने जो असली प्रेम है, भगवान का दर्शन और निराकार, जैसे कैसी है, जैसे जल बर्फ निराकार, जो पात्र में रखो वही आकार धारण करे। लेकिन बर्फ में क्या है, जली है ना, तो ज्ञान रूप उनके ही रूप। मैं प्रश्न करते हैं, जो रास्ता में चलते चलते जो शुद्धा भक्ति होए तो ज्ञान नहीं रहे के छोड़ा नहीं जाता, और जो वास्तव ज्ञान हो पूर्ण अखंड ज्ञान, वो बिना भक्ति प्रेम रहा नहीं जाएगी, वही सब मिलेंगे। जहाँ पूर्ण ज्ञान वही प्रेम भक्ति मिलेगी, और जहाँ पूर्ण प्रेम भक्ति वहाँ पूर्ण अखंड ज्ञान जरूर। रास्ता में साथी न मिले तो क्या हो? नहीं नहीं, देखो ना बद्रीनारायण का यात्री कितना होता है, भीड़ से तकलीफ होता है, इतना यात्री मिलता है बद्रीनारायण का, देखते नहीं, यात्रा तो करो फिर मिल जाएगी यात्री। जो अगर कोई नहीं देखे, अनजान भी चले उनको साथ साथ, उल्टा पुल्टा रास्ता में चले, तो वहाँ भी रास्ते यात्री मिल जाएगी। वो भी कहते भाई तुम कहाँ जाओगे, फलाना अरे ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है। तो ये बात होने, जो उनको लक्ष्य से निकले वही खुद रास्ता दिखा के अपना पास अपने ले जाता है, यह बात है। लेकिन असली खास वही लक्ष्य से निकलना चाहिए। कभी कभी भगवान क्या बात है, भगवान दर्शन देते कि नहीं? वाह, भगवान दर्शन ना दे तो क्यों पुकारे? जो रूप से चाहे उसी रूप में मिलता है, जिसको जैसा भाव है उसके ऐसा लाभ है। भगवान ने मिलता, भगवान मिलता है खुद, जरूर मिलता है। साथी के रूप से भगवान मिलते हैं, साथी रूप में भी मिलते हैं प्रत्यक्ष, जो जाते हैं जो लक्ष्य रहे उसी लक्ष्य पूर्ण करते हैं भगवान। किसी वक्त होते कोई साथी हो जाता है तो साथी मिल जाता है, और किसी वक्त मेरे प्रत्यक्ष भगवान हमको दर्शन दे वो भी हो जाता है। भागवत में माता जी रूप गोस्वामी ने लिखा है, मनुष्य रूप में हम वृंदावन में बात करता हूँ, क्यों दूसरे रूप में बात नहीं करता है क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? एक बात है ना, वहाँ संभव असंभव है, असंभव संभव है, सब कुछ हो सकता है। ये लोक में नहीं, लोकालोक में नहीं हो सकते, लेकिन हुआ सब संभव है, सब कुछ हो सकता है। गुरु गोस्वामी ने काय को लिखा था, सिर्फ मनुष्य रूप में मिलता है करके वृद्ध भागवत में लिखा है। अच्छा, गोस्वामी ने, अच्छा, तो नहीं वो जो हर एक रूप में मिल सकता है ना? हाँ हाँ, हर एक रूप में वो मिल सकता है, जहाँ जैसा होना चाहिए वहाँ ऐसे ही बताया उन्होंने, यह बात कि वो स्थिति अनुसार स्थान अनुसार सारा बात रहती है, वहाँ इसी ढंग से मिलता है, क्या बात है। यात्रा करने का आवश्यकता लक्ष्य पूर्ण होना, यात्रा क्यों करती है, लक्ष्य तो रहती है यात्रा,
लक्ष्य रहते हैं ना, नहीं यात्रा क्यों करेंगे, पूर्ण होना ही उसका लक्ष्य है। हाँ तीर्थ यात्रा। हाँ सब जगह में रहे तो यात्रा क्यों करता है? सब जगह में रहे अगर यात्रा अगर मगर रहा ना इसीलिए यात्रा करता है। प्रत्यक्ष अगर होए, प्रत्यक्ष होए तब तो कोई बात ही नहीं है। तुम जो कहा है यही बात है। आपने कहा है गुरु कृपा तो सदैव वर्षा होती है। आपने कहा गुरु कृपा सदा वर्षा का मैं वर्षण होता है, लेकिन लेकिन पात्रों को उल्टा करके रखो तो बह जाता है, सीधा करके रखो भर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है माता पात्र थोड़ा सीधा है और कोई कोई रोज ऐसा मालूम होता है बिल्कुल उल्टा है, कोई एक बूंद भी नहीं आ रहा है उसका उल्टा है इसीलिए बूंद नहीं आता है। बोल बोल सीधे कैसे करना चाहिए, किसी रोज तो सीधा हो जाता है थोड़ा मालूम होता है सीधा और किसी रोज मालूम होता है बिल्कुल हो ही नहीं रहा है बनो तो बनो तो बन जाता है ना। जब जब इतना मिला है कोई बूंद मिला है कुछ ही समय लगता है जब बस शायद कुछ सीधा हुआ है उसी भावना लेके तुम साधना करने कोशिश करो। किसी किसी को अपने से तो मालूम नहीं होता कुछ भूल हुआ है लेकिन सवेरे से सब चीज टेढ़ा होना शुरू होता है। अपने को मालूम हो तो भूल कोई कर ही नहीं सकती, मालूम नहीं होते हैं तभी इतने भूल करते हैं। एक काम करो सदा ही सत्संग सत प्रसंग सत परिवेश का अंदर में मन बच्चे को रखने का कोशिश करो तो मन शांत होगा तो देखो भरने का अनुकूल होगा, पात्र भरने का अनुकूल होगा। आपने माता जी का सब रूप में भगवान दर्शन देते हैं इतना जो जो रूप चाहे जिसको जैसा भाव है ऐसे ही उसको लाभ है, इसीलिए जो रूप जो कोई चाहे उही रूप उनको पास प्रकट होता है। लेकिन चाहे तो ऐसा नहीं इधर भी चाहे क्यों नहीं आए, ये बात नहीं है, सच्चा चाहना आना चाहिए। ये बात सच्ची है। रूप गोस्वामी ने ऐसा काय को लिखा मनुष्य रूप में वृंदावन में दर्शन देगा, उसने काय को लिखा महापुरुष थे बड़े धीर पुरुष थे उसने ऐसा काय को लिखा। उनको एक बात है बड़ी तुम तो बड़ी सुंदर बात बताया, जैसा तुम खड़ा रहा ना तुम जहाँ तक देखते हैं इतना बोलते हैं और जो बैठे हैं वहाँ से जितना दिखाई देते इतना बोलते हैं, तो जहाँ से जो कोई जो कुछ बोल रहा सच बात है वहाँ से ऐसे ही दिखाई देते हैं और ऐसे ही अनुभव होते ऐसे ही प्रकाश होता है, इसीलिए लिखा शायद होगा, यहाँ तो पढ़ा नहीं। जी चंचल है ध्यान लगे नहीं खड़े हो गए थोड़ी देर तक बहुत मन को शांत रखें गुरु की कृपा से कि भाई अपन एकदम शांत रहे या मन क्यों इतना चंचल है कि क्यों नहीं बसने आवे यही अभ्यास करो। अभ्यास करते हाँ तो उन लोग गीता पढ़ते हैं ना तो कहा अभ्यास योग कहते हैं ना, अभ्यास से बना तो बन जाता है माँ, तुम आदत छुड़ी हो ना जैसे मन का चंचलता ना छोड़े तुम भी उनको बिठाने के लिए ना छोड़ो, ये तो है। हाँ तुम भी हट लगाओ होर लगाओ कभी नींद आ जाए कभी कोई अले नींद आ जाए टहल टहल के करो। हाँ वो तो आपकी किताब में सुन लिया मैंने कि नींद अगर करना है पाने का इच्छा है तो बेचैन होना चाहिए उनको लिए। बेचैन उनको लिए बेचैन नहीं होने से नहीं मिलता है, क्यों चैन पड़ता है दुनिया का सामान लेके इसीलिए तुमको मिलता नहीं शांत नहीं होते नहीं है। माँ कौन जाने इस दिल के मरम की बात नहीं जाने, यही तो बात है ना कि दुनिया के सामान से आखिरी वक्त में क्या करना है माँ उससे मिलने माँ एक बात है जो होता है ना अभी जो तुम्हारा स्थिति आए हैं वो अच्छा है, जो पहला स्थिति रहा है जैसा कहते हैं ना जो खाए वो उद्गार तो पहला का जो उद्गार है ना इसी से माँ बेचैन रहती है। अभी जो तरफ ना आया ठीक है ये तो तुम्हारा तपस्या हुआ साधना हुआ, इसी साधना से आशा है पूर्वो जो संचित रहा है वो निर्मल होगा कभी, इसीलिए अभ्यास आदत छोड़ना नहीं। नहीं माँ भले हजारों जन्म बीत जाए पर वो चीज मिलनी चाहिए जो कि मैं चाह रही हूं। वो मिलता है माँ तुम बिल्कुल जितना तुम्हारा शक्ति सब लगा दो
पहला जो संस्कार रहा ना, पहला जो भोग संस्कार रहा, वासना संस्कार रहा है, इसीलिए अभी उनमें स्थिति होने देता नहीं। यह बात है, थोड़ी देर जैसा पहला जो खाए उद्गार दे, लेकिन धीरे 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 अभी जो अच्छी अच्छी खाए तो बस पच जाएंगे, हजम हो जाएंगे, शरीर सुस्त हो जाएंगे, मन ठीक रहेंगे। इसीलिए सत्संग सद्भोजन जो है वो ज्यादा करा कर। वृंदावन का वर्णन जो है वो तो भागवत सात दिन बैठे बैठे करी है। हाँ, उनका रूप कितना कितना किस्म से वर्णन करी है। ये तो पहला हजम करो है ना। बहुत टाइम मिठाई खाने से भी पछता नहीं, लेकिन हजम करने का भी। इसीलिए जो सत्संग करे और मनन करे, बैठे उनको धारण करने के लिए, अपने में अमल में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए कोशिश करना कर्तव्य। यही मानता पड़े कि आज हम सत्संग और कीर्तन भजन में बैठे तो घर से इतना टाइम मिलता नहीं है। खाली अगर घर से हो जाए, यही मन करता है कि आज हम कीर्तन भजन में बैठे तो घर से इतना टाइम मिलता नहीं है। अगर खाली स्वास्थ्य खत्म हो जाए तो कैसे मिलेंगे भगवान। तुम एक काम करो, घर में तुम्हारा कौन है? बच्चे हैं और सब है, और सब है, सब है ना, तो उसको छोड़ सकते हैं। मन करता है, मन करते सकते कि नहीं? मन करता है, नहीं सकते कि नहीं? सकते तो नहीं, नहीं छोड़ तो नहीं सकते, फंसी हुई है ना, छोड़ नहीं सकते। अच्छा, और मन करते हैं, बड़ी सुंदर बात होते हैं ऐसे गृहस्थ आश्रम में। आश्रम कहते हैं जहाँ श्रम नहीं। पंडित लोग जाने क्या कहते हैं, यहाँ तो वो पटांगी ऐसे बात करते हैं। हाँ, तो आश्रम कहते हैं जहाँ श्रम नहीं है, समझा है? तो इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसका बीज में तुम एक काम करो। अगर पूछा इसीलिए कहा, तुम करो ना करो तुम्हारा इच्छा है, क्यों मैं ऐसी है शरीर कोई आदेश नहीं देती हूँ। कहती है तुम्हारा खुशी है और कृपा करके छोटी बच्ची टूटली बोली तुम सुनो तो सुनो। यह बात माँ को तो कहती है ना, कोई अच्छा अच्छा चीज मिले, अच्छा चीज हो, पिता को माता को दूसरे को कहते माँ ये चीज ले ना, ये चीज करो ना, ऐसा कहती है। तो यहाँ आरज है, माँ है ना तुम, इसीलिए आरज है। एक काम करने का कोशिश कर सकते हैं, जैसा बच्चा है ना, बाल गोपाल है क्या, कुमारी है, बस कुमारी ज्ञान से तुम सेवा करो, बाल गोपाल रूप मन में ला के सेवा करो। पति है, परम पति का यही रूप है, बस उनको सेवा करो। सास ससुरा है, हमारा गुरु का गुरु है, पति तो गुरु है, गुरु का गुरु है, सेवा करना है नहीं। और पति भी गृहलक्ष्मी है, देवी है, स्त्री है, सेवा, बाल गोपाल सेवा, गुरुजन का सेवा, समझा है नहीं। तो इसीलिए गुरु सेवा और बाल गोपाल सेवा, कुमारी सेवा, पति का सेवा, तुम तो सेवा मिल गया गृहस्थ आश्रम में। तुम सेवा भाव से सारा कार्य करो, इसी सेवा अगर भगवत बुद्धि से तुम उन लोगों का सेवा करोगे सारा दिन, तो ये सेवा तुम्हारा भगवान के पास पहुंच जाएगी। तुम तो छोड़ नहीं सकते। तो जहां रहा, जैसे कोई जंगल में बैठे, जंगल में जंगल को सफाई करने जाए लेकिन जंगल का तरफ लक्ष्य ना करे, कोई आग ना फेंके, कोई बैठे ना काटे, तो सफाई नहीं होता है नहीं। जंगल में बैठ के ही जंगल को सफा करना चाहिए, उसी का लक्ष्य रख के ही सफा करना चाहिए। तो इसीलिए तुम जहां ठहरा है, जब चल नहीं सकते हैं, इससे चल नहीं सकते माने इसी से जो तुम तो त्याग करने नहीं सकते हैं, समझा है नहीं। तो इसीलिए जो दूसरा जगह में जो जा नहीं सकते हैं और तुम हुआ ही रहना पड़ेगा और इसी सेवा में रहना पड़ेगा, तो तुम ख्याल करो गृहस्थ आश्रम है। जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, चार आश्रम कहती है महात्मा लोग। इसीलिए तुम गृहस्थ आश्रम तुम ख्याल करो, आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं। हमको ऐसा करना चाहिए सारा दिन जो कार्यक्रम करे, हे भगवान तुम इस सेविका से सेवा ले रहा, तुम ही ले रहा। जो इष्ट है तुम्हारा मन में आए, जो यही हमारा इष्ट है, इष्ट हमारा इसी रूप में, जैसे पिताजी ने कहा जो इसी रूप में हम दर्शन दूंगा, एक बात कहा ना, कहा ना। तो तुम ख्याल रखो सभी लेने का है, ग्रहण करने का है। ग्रहण करना कठिन है, तय करना सहज। तो हर एक बात में भगवान को ग्रहण करने कोशिश करे तो आपने लाभ है। इसीलिए तुम अगर
इसी तरीका से गृहस्थाश्रम में तुम सेवा करो तो उसी सेवा तुम भगवान के पास पहुंच जाएगी। इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, इससे तुम भगवान को लगन लगेगे, तुम्हारा रास्ता खोलने का मदद होगा।